बच्चों पहला प्रश्न को देखेंगे। पहले प्रश्न के इकाई में ऊपर दो है तथा नीचे इकाई में तीन है। आप दो और तीन इकाई को जोड़ें तो स्पष्ट रूप से दो में तीन जोड़ेंगे तो वह पाँच आता है। इसी प्रकार से दहाई में ऊपर एक है तथा नीचे भी दहाई में एक है। इस प्रकार से एक और एक को जोड़ेंगे तो एक धन एक बराबर दो। इस प्रकार से यह संख्या 25 प्राप्त हुई है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक दो में ऊपर 24 है तथा नीचे 32 है। इस प्रकार 24 तथा 32 को जोड़ना है तो 24 के इकाई में 4 ऊपर है तथा 32 के इकाई में 2 है नीचे। अतः 4 और 2 को जोड़ेंगे तो वह 6 आएगा। इसी प्रकार से ऊपर दहाई में 2 है तथा नीचे दहाई में 3 है। इस प्रकार से 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इस प्रकार से हमें संख्या 56 प्राप्त होगी। अगला प्रश्न 22 और 66 को जोड़ना है जिसमें ऊपर 22 के इकाई में 2 तथा नीचे 66 के इकाई में 6 है। इस प्रकार ऊपर इकाई 2 तथा नीचे इकाई 6 को जोड़ेंगे तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार ऊपर की दहाई में 2 है तथा नीचे की दहाई में 6 है। इस प्रकार से 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इस प्रकार हमें संख्या 88 प्राप्त होगी। अगले प्रश्न 67 और 31 को जोड़ना है जिसके ऊपर इकाई में 7 है तथा नीचे इकाई में 1 है। इस प्रकार 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार ऊपर दहाई में 6 है तथा नीचे दहाई में 3 है। इस प्रकार 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार से हमें 98 संख्या प्राप्त। अगला प्रश्न 78 धन 99। 78 की इकाई में 8 तथा 99 की इकाई में 9 है। इस प्रकार से दोनों इकाइयों को जोड़ेंगे 8 और 9 17, 17 की 7 हासिल का 1। अब दहाई वाली सारी संख्याओं को जोड़ना, हासिल का 1 और 7 और 9 इनको जोड़ना है तो 1 और 7 8 और 9 17, 17 का हम पूरा 17 लिखेंगे। इस प्रकार हमें संख्या 177 प्राप्त हुई। इस प्रकार आप भाग 7 के सभी प्रश्न हल करेंगे और मुझे आशा है कि आप सभी से ये प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।